बेंगल रे बोबान वोटिंग बेले फुटिला गुड़ी टीएमसी कर्मी को गुड़ी रे वोटर मृत हिंसा को रोकवा जा पुलिस गुड़ी रे चार निहत पश्चिम बंगे चतुर्थ पर्याय निर्वाचन पर भोट ग्रहण चली पर्यायर पांचटी जिलार 44 आसन पर मतदान होपटे भोट ग्रहण चलता बेले विभिन्न बुथ्रु हिंसार खबर आसुची कूचबिहार शीतलकुटी ठारे टीएमसी कार्यकर्ता गुंडाराज पुणी थे देखा मिली सूचना मुताबक सका 10 शीतलकुची ठारे क्विक रेस्पन्स टीम बुथ निकट में जगिता बेले स्थानीय किसी टीएमसी कर्मी पहुंची गंडगोल करते एथस जड़े भोटर को उपरक गुड़ चलते भोट ग्रहण चलता बेले आनंद बर्मन नामक जड़े युवक को 85 नंबर बुथ बाहर को टाणी आनी टीएमसी कर्मी माने अति निर्मम भाव गुड़ कर अभोग सेठारे तांकर मृत्यु घटीला। देखो पोलिंग बंद किया है, अभी पोलिंग बंद है, इसको चालू करना नहीं करना, रिपोल करना वो कमीशन का मैटर है, कमीशन डिसाइड करेगा। सिचुएशन कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत कमोशन है इलाका में, नहीं है नहीं बोल रहा हूँ, कंट्रोल में है। कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है? 4 लोग का। गोली कितने लोगों को लगी है? टोटल 5 लोग को, 4 लोग का मौत हुई है, एक को थाई में लगा है जांग में, उसको NBMCH हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में रेफर किया गया। हम सुन के तुरंत चलाया यहाँ से, आके देखा है रक्त, मरे जो लोग को गोली लग रहा है उसको तो माटी में मिट्टी में मिला है, उसको रक्त तो मरे खून निकला है, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा खून निकला है, देख कर तो हम लोग वहाँ से आज हमारे असंभित हो जाते, वो हमको दिमाग नहीं सोचता है कि ये क्या हो रहा है। सेपटे स्थिति नियंत्रण पाई क्विक रेस्पन्स टीम चेष्टा करथुवा बेले टीएमसी रो समर्थक माने सेमानक ऊपर को आक्रमण करथिले। बेंगल एडीजीपी कहिसेंती सीआईएसएफ रो कर्मचारी मानकु संघर्षरत व्यक्ति माने आक्रमण करिवारु सेमाने गुळी चलाइबाकु बाध्य होइथिले। एथिरे 4 जन लोकंकर जीवन जाइथिबा मध्य कुआ जाउछि। जो घटना हुआ वो मोटामोटी 9:30 बजे तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद थोड़ा एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था, उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने, उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गया क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे CISF के, वो पूछा कि क्यों इसका क्या हुआ है, तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको CISF ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गाँव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे, बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिला यूज करते हैं उसके द्वारा अटैक हुआ था, राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को CISF जो पर्सनल थे जो बूथ में डिटेल थे वो जो पास में जो उनका QRT थे तो वो उसको उनको बुलाए कि उसको री इन्फोर्समेंट करने के लिए, पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल CISF का था एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग मारामारी झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया तब ये घटना घटा। सेपटे एने टीएमसी दावी करी कि यही गुड़ी चाला फल मृत्यु होता होइतबा 4 जन जाक टीएमसी कर्मी गिरिन्न बर्मनर ऊपर खोक्साडांगा ग्राम पंचायत आक्रमण होक्रमण कर আমরা এই গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করছি, নিরীহ মানুষকে ওরা গুলি চালিয়ে মেরেছে এবং আমরা মনে করি এটা একটা ষড়যন্ত্রের অঙ্গ এবং এই ষড়যন্ত্র রচনা করছেন। সেপটে ঘটনাকে নিয়ে দৃঢ় নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। सिलीगुड़ी बेंगलवासी को उद्बोधन दे प्रधानमंत्री कहते कूचबिहार घटना अत्यंत दुखदायक, जो मानक जीवन जाइए परिवार प्रति मोर समबेदना। बीजेपी प्रति बेंगल विपुल जनसमर्थन को दीदी टीएमसी देखी भयभीत हो पड़ी। कूचबिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं, मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में
बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। एथसहित कुछ बिहार हिंसा में शामिल लोगों ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान निर्वाचन आयोग को निर्देश देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।